चलिए तो एक नवे दिन की नवी शुरुआत करते हैं, ले चलते हैं आपको सफर पे। अब हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो आपको व्लॉग में आगे पता लगेगा जब आप व्लॉग आगे देखेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ओरिजिनल्स की कैप और ये टॉम फोर्ड लगा के हम कहाँ जा रहे हैं। एग्जैक्टली अभी बेसिकली क्या करने वाले हैं हम, आप पीछे देख सकते हैं जो मेरे फॉर्मल टायर है वो पीछे टंगा हुआ है। जनरली क्या होता है कि जब मैं ड्राइविंग करता हूँ, मेरा एक असूल है जो मेरे आयरन किए हुए कपड़े होते हैं, आई नेवर वियर लाइन से मिलने से पहले। जब भी हमने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है या मुझे क्लाइंट मीटिंग पे जाना है तो मैं तभी 15 या 20 मिनट्स पहले ही डाल देता हूँ, क्योंकि फिर एक तो सफ़र में ईज नहीं रहती, दूसरा सेकेंडली कौन सा है वो उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं। सो मीटिंग में फिर मीटिंग करने का मज़ा नहीं आता, दिस इज़ द मेन रीज़न। एंड अभी जो सा है टाइम हुआ है 12:12, सो देखते हैं अभी हम कब पहुँच रहे हैं। अभी ये लेक पे जो सा है यहाँ पे पार्किंग्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्टेशन बना रहे हैं। पहले यहाँ पे गाड़ी सिखाया करता था मैं अपनी सिस्टर को, और फिर सामने आज धूप का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। इतनी बड़ी गाड़ी सीआरवी को भी गड्ढों में बचा बचा के चला रही है लेडी, फिर सीआरवी लेने का फ़ायदा क्या हुआ। आई गेस उस टाइम ये 17 लाख की आती थी, हाँ 17 या 20 लाख की आती थी। बहुत अच्छी गाड़ी थी ये पेट्रोल में। उसके बाद फिर होंडा ने अपनी वक्त लगा तो NH1 जाके आएंगे। NH1 जो है वो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, वहाँ से देख के आते हैं कुछ लोवर्स वगैरह एक जिम में डालने के। लोवर्स थे बहुत कट लोवर्स जो से हैं वो बच गए हैं, दो लोवर्स हैं वो ट्रैक सूट के साथ बने रखे हैं, तो वो जाने आने में से एक अभी डाला हुआ है। जाने आने में डालना पड़ता है, जिम के लिए भी लोवर्स चाहिए, जैसे भी मिलेंगे ले लेंगे। लो जी एयरपोर्ट पे रोड पे आ चुके हैं, सोसाइटीज देख लो क्या नज़ारे हैं। सो गुड वी हैव रीच दिस लालडू एंड वी क्रॉस दिस टोल टैक्स। देयर इज़ वन फैक्ट्री इन माय लेफ्ट हैंड साइड, गेट्स, द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स इन हाइड्रोलिक्स। ओके सो वी आर प्राउड कि एक ऐसी फैक्ट्री भी हमारे पास में नॉर्थ। ओके गर्मी इस दौरान इतनी बढ़ गई है कि 44-40 डिग्रीज तो आम ही हो गया। अभी क्या चल रहा है, चल रहा है जी 4th अप्रैल चल रहा है। गाड़ी पे डस्ट देख रहे हो कितनी हो गई है, क्या करें, कोई साफ करने वाला ही नहीं मिल रहा है जो डस्ट साफ कर सके। मौसमी के जूसेस वगैरह के लिए वैसे फ्रंट और रियर में ना आजकल गाड़ियों के डैश कैम चल रहे हैं, वो भी जरूरी है लगाना चाहिए। ये अम्बाला का जग्गी सिटी सेंटर जो लोगों ने हवा बना रखा है, हर चीज महंगी है। अब लेफ्ट सीधा चला गया दिल्ली, लेफ्ट आ गया जगाधरी रोड। याद है मुझे, मैंने यहाँ से होम एंड किचन से लिया था, बहुत सही सही सामान मिलता है यहाँ पे। वेलकम टू अम्बाला कैंटोनमेंट छावनी। लो जी जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, लुक बदल दिए, ख्याल बदल दिए। सो वेलकम अगेन टू व्लॉग। सो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ एकदम से, ये एकदम से लुक कैसे चेंज हो गई। सो आई टोल्ड यू व्हेन एवर माय डेस्टिनेशन इज़ वेरी क्लोजर टू मी देन ये जो सा है आपको चेंज करने को दिखेगा। सो दिस वन इज़ न्यू
डेनिम शर्ट एज यू गाइस ऑलवेज सी माई सेल्फ इन वेरियस डेनिम शर्ट्स सो प्रोबेबली आई ऑलवेज डेस्परेट टू टेक एवरी काइंड ऑफ न्यू स्टफ इन डेनिम शर्ट्स. अब आप पूछेंगे मैं कौन कौन से ब्रांड्स प्रेफर करता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा गेस करके कि मेरे पास डेनिम शर्ट्स से कौन कौन से ब्रांड्स हैं. वैसे ये बताइए कि ये वाला शेड कैसा लग रहा है डेनिम शर्ट में. सो इसको मैं फर्स्ट टाइम ही डाल रहा हूँ, है ना. सो लाइट शेड्स भी कई बार अच्छे लगते हैं. सो व्हेनेवर आई विल बी गोइंग टू मीटिंग देन ये जो पिंक पर्टिकुलर नेहरू जैकेट है सो ये डालनी चाहिए. दिस वन इज़ नॉट फॉर विंटर्स, दिस वन इज़ अ कॉटन स्टफ एंड इसको डेडिकेटली मैंने जहाँ से आपको याद होगा अमृतसर से डिज़ाइनर ब्रांड से मैंने अपने पठानी सूट्स सिलवाए हैं. सो वहीं से उसको ऑर्डर किए ऐसी नेहरू जैकेट्स ताकि हम क्लाइंट मीटिंग्स पे या कहीं पार्टीज पे जाएं तो कॉटन की हम ऐसे. ये बेबी पिंक कलर की वन ऑफ माय फेवरेट है, इससे ऊपर मुझे कोई कलर लगता नहीं है नेहरू जैकेट में या फिर ब्लेजर में. सो अगर आपको भी पसंद है तो हिट करिए कमेंट बॉक्स में. और हाँ, दिस वन इज स्पेशली फॉर यू रोमित बल्ला जी, एज यू रिक्वेस्टेड मी कि म्यूज़िक को कम देना और कम्युनिकेशन ज़्यादा चाहिए. सो म्यूज़िक अब कम होगा व्लॉग में और कम्युनिकेशन जो उनसे होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. स्पीड ब्रेकर ये आर्मी एरिया ही ख़त्म नहीं हो रहा है, मार्केट ही नहीं आ रही है वो सामने. क्या ज़बरदस्त फैक्ट्री है मर्सिडीज़ को जा रही है. सो अभी वेटिंग एरिया में जो है वो वेट कर रहे हैं, दे आर हैविंग देयर लंच. लंच लंच कर लिया, अभी चलते हैं चंडीगढ़ वापस. पर रास्ते में एक बहुत फेमस आइसक्रीम आती है जो कि जग्गी सिटी सेंटर में है, उसको ट्राई करेंगे, टूटी फ्रूटी. और हाँ, वो जिम के लोवर्स और वो भी देखने हैं ना, जिम के लोवर्स और वो सब जग्गी सिटी सेंटर के जो ब्रांड आउटलेट्स हैं. गर्मी में भी अंत कर दिया. गॉगल्स कैसे चेंज हो गए, डाल के कोई और गॉगल्स आया था लगा माल हो. ज़्यादा सही लग रही है वो, ज़्यादा सही लग रही है या दोनों ही सही लग रही है कमेंट में बताइए. शर्ट का लाइट कलर भी ठीक लगता है इसका ना. भैया इतने स्पीड ब्रेकर्स जो नवी वाली वरना आई है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है. एथिकली आपको बताऊं तो मुझे ठीक है, डिज़ाइन लाइन पर मैं काम करा है, डिज़ाइन लाइन पे इम्प्रूवमेंट्स हैं, एरोडायनामिक्स पे इम्प्रूवमेंट है, स्लीक ज़्यादा है, लाइट्स जो उनसी हैं बस फ्रंट वाली लाइट्स को एक लाइन बना दिया, जैसे लाइन होती है ना सीधी लाइन खींच देते हैं वो बना दिया, जैसे कि स्पेस में जाने वाला डिज़ाइन नहीं होता. अभी ये रिसर्च वाला रॉकेट जो है वो स्पेस में जाएगा. तो गाइस एथिकली बताओ आपको पसंद आई वो वरना. और नीचे बहुत ज़्यादा है, अब हर एक यंगस्टर का सपना है ले ऑफ लद्दाख जाने का. ले ऑफ लद्दाख कैसे जाएगा अब अपनी वरना लेके, आज तक मैं ये वरना लेके नहीं गया ले ऑफ लद्दाख इस दर से कि नीचे ना लग जाए. तो हुंडई को यही रिक्वेस्ट है कि डिज़ाइंस थोड़े से ऊँचे रखो. मानता हूँ एरोडायनामिक्स तुम्हारी सबसे अच्छी है, इसके सामने होंडा सिटी भी फेल है इसकी एरोडायनामिक्स के सामने. पर ऐसे तो करो ना यार जो प्रैक्टिकलिटी हो इंडियन रोड्स के हिसाब से. इंडिया में भी चलना है हमने, यहाँ हर रोड पे तो गड्ढे हैं स्पीड ब्रेकर्स हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट है इंजीनियर्स जो भी आरएनडी में, चाहे मेरे फ्रेंड्स भी लगे हों, जैसे निसान में मेरे फ्रेंड्स हैं जो आरएनडी में जॉब करते हैं. सो अगर ह्युंडई में भी आप लोग हैं तो आपसे यही गुजारिश है थोड़ा ध्यान रखो डिज़ाइन का.
आइए आपको आज ले चलेंगे जग्गी सिटी सेंटर ना। जग्गी सिटी सेंटर में भी अलग रोन के हैं, वैसे जितना चढ़ाया हुआ उतना है कुछ नहीं, पर चलो हम भी देख लेते हैं क्या कुछ। आइसक्रीम एक सरदार जी की है वहाँ पे फेमस ना, वो चेक करनी है। ओवर प्राइस हुई तो नहीं लूँगा, अगर बजट में सबके आएगी तो मैं उसको प्रमोट करूँगा, क्योंकि हर कोई बंदा 500 रुपए की आइसक्रीम नहीं खा सकता ना, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये दे दो उसको। जी थैंक्स फॉर विजिट, मैं डॉप ऑफ कर दूंगा वार्डस। थैंक्स जी थैंक्स। एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे आपको क्या करना होता है, आप निकल रहे होते हो ना गाड़ी से बाहर गर्मी में, तो पहले ही एसी ना ऑफ कर दिया करो कि आपकी डेस्टिनेशन आने वाली ना गर्म सर्द हो जाएगा, और विंडोज जो सी ना थोड़ी सी डाउन कर दिया करो, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, नहीं तो आपको गर्म सर्द होने के चांसेस हैं। रेत वाली भूमि चली किस किस ने खाई है कमेंट करो। 20-30 रुपये रेट है इसका, पहले 2-3 रुपये होता है। गन्ने का जूस गर्मी में कौन पसंद करता है? मुझे ज़्यादा गन्ने का जूस पसंद नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे ज़्यादा शेक्स और बनानास या स्ट्रॉबेरी शेक्स पसंद है। सो ये बात है। लो जी जग्गी सिटी सेंटर आ गए हैं, देख लो जग्गी सिटी सेंटर। चीयर्स, पानी की बोतल ले ली है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो आज ऑर्डर मिलने की खुशी में जग्गी सिटी सेंटर देख लेते हैं। अब ऑर्डर किस चीज़ का मिला है, हम क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं पुरानी वीडियोस के लिए आपको जाना पड़ेगा, ऐसे तो आपको पता नहीं लगेगा, तो पुरानी वीडियोस पे जाइए, पुराने लिंक्स देखिए। सामने बिल्डिंग देखिए कितनी शानदार है। एक निहंग सिख स्कूप शॉप है, वो वेडी लाल वाली कॉर्नर वाली है, ठीक है। ब्रांड्स देखते हैं पहले तो जाके ना, बाद में आइसक्रीम खाएंगे। वॉशरूम भी देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली वो ये वाली शॉप है सरदार जी की ना, ग्रीन बेल, ये ट्रेन का अरेंजमेंट्स भी है यहाँ पे। सो सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, प्यूमा व्यूमा सब ब्रांड्स हैं। प्यूमा ही ब्रांड ठीक लगा मुझे तो यहाँ पे ना इस लाइन में। अच्छा कार डिज़ाइनर यहाँ पे भी है जो मैंने अमृतसर से सिलवाया था, है ना। मुझे यहाँ पे कुछ ब्रांड खास नहीं लगे, बकवास ब्रांड है, एक आधा ही अच्छा लगा जग्गी सिटी सेंटर को। अच्छा लेवाइस आउटलेट स्टोर भी है, रीबॉक का आउटलेट स्टोर, सिंधी स्वीट्स, ओल्ड मोहन मुर्गे वाला। अच्छा इधर भी ब्रांड्स हैं सारे, मुफ्ती, ऑक्टेव, मैडम, लेवाई स्टोर, फ्लैट 50% ऑफ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਗੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੋਸਟ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਡੈਜ਼ਰਟ ਅਵਾਰਡ ਇਨ 2019 ਅਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਸਰ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਫਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਮ ਫ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ। ਅਤੇ ਹਲੇ ਕਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣਗੇ ਸਰ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਚੋਕਲੇਟ ਚੋਕਲੇਟ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਖੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਚੋਕਲੇਟ ਦੇ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਚੋਕਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਵਿਦਾਊਟ ਸ਼ੂਗਰ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਰਾਈਟ। ਮੇਕਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ।